नमस्कार, मैं हूँ तराना। कभी कभी पेशा इंसान की पहचान बन जाती है, लेकिन अक्सर हम इंसान के अंदर छुपी हुई खूबियों को नहीं पहचान पाते। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं एक बहुचर्चित और जहीन हस्ती से। यह है कांग्रेस पार्टी के नेता और देश के प्रमुख राजनीतिज्ञों में से एक, श्री राजेश पायलट जी। इनकी राजनीतिक और बोलने की प्रतिभा के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसी कई खूबियां हैं राजेश जी के अंदर छुपी हुई जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो आइए इन खूबियों के बारे में जानने के लिए मिलते हैं राजेश पायलट से। राजेश जी, से सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि आपका नाम पायलट कैसे पड़ा? करण जी, मैं एयरफोर्स में था और जब मैंने राजनीति में कूदने का फैसला किया तो स्क्वाड लीडर था एयरफोर्स में, पायलट था। जब मैं नॉमिनेशन भरने गया तो पहले ही शोर मचा हुआ था, इंदिरा जी किसी पायलट को भेज रही हैं, किसी पायलट को भेज रही हैं। तो जब मैंने नॉमिनेशन पत्र भरा तो उसमें लिखा मैंने राजेश प्रसाद जी, जो मेरा नाम था कागज में और सर्टिफिकेट में। तो एक आदमी पीछे से बोला, साहब यहाँ कोई नहीं नाम जानते हो तो पायलट के नाम से जानते हैं। मैंने कहा आप गधा लिखवाओ लेकिन जिताओ। तो मैंने उस दिन अपना नाम राजेश प्रसाद की जगह बदल के राजेश पायलट लिख दिया। राजेश जी, आप हमें ये बताइए कि राजनीति के अलावा आपकी और क्या क्या दिलचस्पियां हैं? राजनीति तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ में जब थोड़ा बहुत मिल जाता है खेती के बारे में पढ़ना या थोड़ा बहुत सोचना, खेल कूद सुबह शाम में ज़रूर आध पौन घंटा निकालता हूँ। कुछ किताबें पढ़ने का भी है, कभी कभी जो बायोग्राफीज हैं कुछ बड़े लोगों की, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। आई हैड बीन ऑलवेज इंटरेस्टेड कि महात्मा गांधी जी की विचारधारा थी और उनके मन में क्या था, वट रियली ही वॉन्ट्स इंडिया टू बी। क्योंकि मैं आज भी महसूस करता हूँ कि ये बात चालू हो गई है कि इट इज़ द गांधीयन व्यूज़, इट इज़ द गांधीयन फिलॉसफी विच इज़ द नीड ऑफ टुडे। टीवी पर न्यूज़ के अलावा आप और कौन से प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं? टीवी मैंने जैसे बताया कि एक तो सीरियल्स कभी कभी अच्छे आते हैं, एक डिस्कवरी चैनल जो है उसमें भी इट्स वेरी नॉलेजेबल जी। दूसरा शनिवार को या जिस दिन हो कोई अच्छी पिक्चर आ रही हो तो बच्चों के साथ बैठ कर या वो किस दिन बिल्कुल ही तय कर लें कि आज तो पिक्चर देखनी है, यहीं पे खाना खाना है, पिक्चर भी देखो और खाना भी खाओ। पिक्चरों के मामले में आप हिंदी पिक्चरें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर हॉलीवुड की? हिंदी पिक्चर ज़्यादातर। तो हिंदी में पुरानी पिक्चरें ज़्यादा देखते हैं या आज की लेटेस्ट? पुरानी देखने का ज़्यादा मन करता है क्योंकि जब विद्यार्थी थे और जब पढ़ रहे थे तब तो पिक्चर देखने का कभी मौका मिला ही नहीं। और सच्चाई हमारे ज़माने में तो पिक्चर देखना एक बुरी बात समझी जाती थी, लेकिन जब एयरफोर्स में चला गया तो ज़रूर सिलसिला शुरू हुआ। एक दो पिक्चर उन दिनों में एक साधना जी की आई थी, मेरे महबूब। जाहिर है आपका फेवरेट एक्टर या फेवरेट अभिनेता भी फिल्मों उन दिनों में तो मुमताज का जो सीन हुआ करता था उसे देखने के लिए मैसेज जाया करते थे। कभी कभी तो एक एक पिक्चर को चार चार बार देखा करते थे कि मुमताज की एक्टिंग देखने जा रहे हैं। फिल्में देखते हैं तो उन्हें गाने का शौक तो ज़रूर होगा। आइए इनसे पूछते हैं कि इनका मनपसंद गीत कौन सा है। करना, मुझे पता था कि आप गाना गवाने के लिए कहोगे। गाना मैं नहीं गा सकूंगा, मेरे महबूब में क्या नहीं वो तो लाखों में एक हंसी। तो ये पहला गाना जी सीखा था, पूरा मुझे आता नहीं, ये दो तीन लाइन आती हैं। हाँ। जो मैंने आपको सुना दी। गजलों का शौक है? गजलों का शौक है। तो ऐसा कोई गीत, अब ये मत कह देना कोई गजल जो आपको शौक है उसे गा दीजिए, वो नहीं मैं कर पाऊंगा। हरियाणवी गाने में बहुत पसंद करता हूँ, जो गांव की रागनी होती हैं। गांव की। अजीत जी, ऐसा कोई खेल है जो बचपन से आप खेलते आ रहे हैं? जैसे मैंने कहा बचपन में तो या तो गांव में कबड्डी खेल लिया करते थे या कभी कभी पिट्ठू खेला करते थे गांव में, लेकिन एयरफोर्स में आने के बाद जरूर मैंने बास्केटबॉल, स्क्वाश ये दो गेम और बैडमिंटन। तो यानी एक्सरसाइज के लिए आप रूटीन में रोज जिम जाते हैं या? रूटीन तो है मेरा दौड़ने का जी, आधा घंटा सुबह और 15-20 मिनट शाम को, टोटल 4-5 किलोमीटर हो जाए बस। एक्सरसाइज से थोड़ी फ्रेशनेस आती है और एक टेंशन भी दिमाग की कम रहती है और आदमी फिर दोबारा उतना ही फ्रेश होकर काम करने लगता है। राजेश जी, आप घर में कुछ व्यंजन पकाते हैं? मैं सब्जी अच्छी बना लेता हूँ, आई कैन मेक ए गुड वेजिटेबल, और बढ़िया ऐसी कि खा के फिर अगली बार आदमी कहे भाई अच्छी टेस्टी बनाई है। चटनी में बहुत अच्छी बनाता हूँ जब कोई मुझे मौका मिल जाता है, और पुलाव। तो अंत में हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी कोई तमन्ना है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है? तराना, इस सच्चाई है कि जिस मकसद से राजनीति में आया हूँ अभी वो पूरा नहीं हुआ है, और मकसद एक ही है, एक गैर इंसाफी के खिलाफ आवाज, गांव में जो गरीबी अभी भी है वो दूर हो जाए,
और एक गरीब भाई शाम को आराम से दो रोटी खा के सो जाए, उसके लिए मैं आया था। कुछ जो मेरा व्यक्तिगत दायरा रहा है उसमें मैं कर पाया हूँ, लेकिन बहुत कुछ बाकी है और वो कहा नहीं जा सकता, वो मन ही मन में है, जब वक्त आएगा उसको पूरा करने का पूरा इरादा है। तो ये थे राजेश पायलट और उनका दूसरा पहलू।